अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में यूनिट 2 में हम 2.2 एक्सरसाइज आज करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? स्केयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्केयर क्या है हमारे पास? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज नाउन एज स्केयर। लेट्स सपोज यहाँ पे हम करते हैं 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई, कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम खुद उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ये प्रोडक्ट होगा ये कहलाएगा स्केयर। तो इसको यहाँ पे 7 के स्केयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ये इक्वल होगा 49 के। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 एक्सरसाइज। फाइंड द स्केयर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट है 11। तो इसका अगर हम स्केयर लेंगे तो यहाँ पे अगर हमें स्केयर नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे स्केयर खुद से लेंगे, और इसके लिए आपको इसको यहाँ पे शो करना होगा कि आप यहाँ स्केयर ले रहे हैं। टेकिंग स्केयर, तो ये बनेगा 11 का स्केयर। 11 के स्केयर को हम सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये हमारे पास बनेगा 121। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन 1 का मैं करूँगी पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट है 25। तो 25 का स्केयर लेंगे यहाँ पे। टेकिंग स्केयर, ट्वेंटी फाइव का स्केयर आएगा। तो 25 के स्केयर को हम सेपरेट फॉर्म में शो करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25, तो ये बनेगा 625। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास स्मिशन पैटर्न। स्मिशन का मतलब है सम करना, यानी उसको सम की फॉर्म में हम लिख के इसका स्केयर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे मेथड है इसमें स्मिशन पैटर्न में। अगर हमें किसी वैल्यू का स्केयर दिया गया है, लेट्स सपोज अगर हमें 1 की बात की जाए, 1 स्केयर, तो यहाँ पे ये आएगा 1 और ये इक्वल होगा 1 के। अगर यहाँ पे हम 2 का स्केयर लेंगे तो 2 के स्केयर के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इसके दोनों साइड पे इससे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखे जाएंगे जो है 1। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये बनेगा 4। इसी तरह अगर मैं 3 का स्केयर लेती हूँ तो यहाँ पे हम 3 को सेंटर में 1 टाइम लिखेंगे और इसके दोनों साइड पे इससे स्मॉलेस्ट डिजिट्स को लिखा जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड पे आएगा 2 और 2 से स्मॉलेस्ट डिजिट है 1, तो यहाँ पे हम 7-1 लिखेंगे। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये बनेगा 9। ये बात याद रखें कि हमारे पास इसके लास्ट डिजिट्स हमेशा 1 ही होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, राइट द स्मिशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्केयर्स। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे 6 का है स्केयर। 6 का यहाँ पे ऑलरेडी हमें स्केयर्स दिया जा चुका है, तो हम यहाँ पे टेकिंग स्केयर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। तो 6 का स्केयर ये इक्वल होगा 6। 6 के स्मॉलेस्ट डिजिट्स हैं 5, दोनों साइड पे हम 5 लिखेंगे। इसके साथ दोनों साइड पे हम 4 का इजाफा करेंगे। इसके बाद इसे स्मॉलेस्ट डिजिट 3 को ऐड करेंगे। 3 के साथ हम 2 को लिखेंगे और 2 के साथ हम यहाँ पे 1 का इजाफा करेंगे। लास्ट डिजिट्स हमारे पास 1 होने चाहिए। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 36। तो यही हमारा आंसर होगा। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 ही आएगा। इसके साथ मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 5 का स्केयर। तो सेम जैसे हमने स्मिशन पैटर्न में पढ़ा है कि हम जिस चीज़ का स्केयर लेंगे, जिस डिजिट का स्केयर लिया जाता है, उसको सेंटर में एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा 5। 5 की दोनों साइड पे हम 4 को ऐड करेंगे। इसके साथ इसे स्मॉलेस्ट डिजिट को 3 को ऐड करेंगे। दोनों साइड पे इसे स्मॉलेस्ट डिजिट 2 को ऐड किया जाएगा और इसी तरह इसके लास्ट पे 1 को ऐड किया जाएगा।
तो इनको ऐड करेंगे तो ये इनको ऐड करने पे हमारे पास बनेगा 25। वैसे भी अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 ही आंसर आता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर आपको उन्होंने कहा है कि स्केयर्स लें, सिंपल स्केयर की बात की जा रही है, तो वो आपकी मर्जी है आप सिंपल स्केयर ले रहे हैं या स्मिशन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको स्मिशन पैटर्न के लिए कहा है तो आप सिंपल स्केयर उसका ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन टोटली रॉन्ग होगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जो मेथड कहा जाए उसी को फॉलो करें। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, नेक्स्ट 2.3 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।